बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ यूनिट टू, अ बिजी मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेसन वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक स्टूडेंट, डॉक्टर, कैशियर, टीचर, हाउसवाइफ, लॉयर, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट देयर जॉब एंड देयर कॉस्ट्यूम्स। लास्ट लेसन में हमारी वोकैबुलरी में नए वर्ड्स का इजाफा भी हुआ और यकीनन आपने कॉम्प्रिहेंशन फोकस के क्वेश्चन को भी आंसर कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस की, मीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस के ज़रिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पेज नंबर 10 पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस पर, जिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और अपने पार्टनर यानी अपने बहन भाई या अम्मी अबू के साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके वालिद क्या काम करते हैं। व्हाट डज़ योर मदर डू एवरी मॉर्निंग, आपकी वालदा रोज़ सुबह क्या करती हैं। टॉक अबाउट द थिंग्स यू डू एवरी मॉर्निंग, उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आप रोज़ सुबह करते हैं। इसके साथ साथ आपने एक्टिविटी कॉर्नर को भी देखना है और अपनी डेली की सुबह की रूटीन को राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर। तो इस तरह से आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग पावर में इजाफा होगा और आपकी लैंग्वेज भी बेटर होगी। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क को, जो कि है फोनिक्स फोकस ऑन पेज नंबर 10। तो पेज नंबर 10 पे फोनिक्स फोकस में आज हम देखेंगे कि ट्राइग्राफ्स को इनिशियल, मिडिल और एंडिंग पोजीशंस पर किस तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है और वर्ड्स को कैसे बनाया जा सकता है यूजिंग ट्राइग्राफ्स। ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं जी? जब तीन लेटर्स मिलकर सेम साउंड प्रोड्यूस करें तो उन्हें हम ट्राइग्राफ कहते हैं, जैसे कि THR3, TCH in kitchen and IGH in high। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। इन फर्स्ट कॉलम THR G, क्या वर्ड्स बनेंगे? थ्रो एंड थ्रॉट। इन सेकेंड कॉलम TCH, बुचर, कैचअप, एंड इन थर्ड कॉलम IGH, साई, थाई। वेरी गुड। अब आपने और इससे और वर्ड्स बनाने हैं और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टास्क व्हिच इज ग्रामर फोकस ऑन पेज नंबर 11। ग्रामर फोकस में आज हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस के वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कब और कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी सिंपल टेंस में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट इस्तेमाल हो तो उसके वर्ब के एंड पर एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब ये एस या ई एस का इजाफा कब करते हैं? तो जब कभी वर्ब के एंड में सी एच, एस एच, एक्स या एस आए, तो ऐसे वर्ब्स के एंड में ई एस का इंक्रीमेंट किया जाता है और इसके अलावा एस का इंक्रीमेंट किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, रीड द सेंटेंस, माय मदर कुक्स फूड। अब आप देखें, मदर सिंगुलर नाउन है और कुक के एंड पर एस, सी एच, एस एच या एक्स यूज नहीं हुआ, तो सिर्फ एस का इजाफा किया गया है। तो अब आपने प्रैक्टिस करना है इसी का पार्ट टू, जिसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। मिस्टर बी रफीक वर्क डैश इन अ कोर्ट, आमिर रश टूवर्ड्स द बैंक, अहमद प्रे टू अल्लाह, द किटी ड्रिंक मिल्क, द बॉय फिक्स द बाईसाइकिल्स ब्रेक्स। इसी के थर्ड पार्ट में आपने एस या ई एस को ऐड करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए वो हैं विश, टेक, वॉच, ईट। वेरी गुड,
ये वर्ब्स हैं और इनके साथ आपने एडिशन करनी है एस या ई एस की। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क राइटिंग फोकस को देखते हैं, जिसमें आपने पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। तो एक पिक्चर आपके सामने डिस्क्राइब कर दी गई, अनम ईट्स एन आइसक्रीम। मिसिज रफीक क्या कर रही हैं, वो सेंटेंस आपने लिखना है। और आमिर क्या कर रहा है, वो सेंटेंस आपने लिखना है। तो इस तरह से हमारा लेसन अ बिजी मॉर्निंग आज एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।